एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हॉल है डिजाइनर ब्लाउजेस का। वैसे मैंने 8 ब्लाउज ऑर्डर किए थे, लेकिन 3-4 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास 5 ही आए। कैंसिल हो जाते तो मुझे लगता है अच्छा ही है, कुछ गलत उल्टा सीधा बिजनेस, अच्छा कैंसिल कर दे। तो चलो, जो कैंसिल हो गया वो मैं फिर से बाद में ऑर्डर करूंगी। फिलहाल 5 ब्लाउज आए हैं, अभी मैंने पहन के नहीं देखा। कुछ मैंने खोले हैं, अनबॉक्स किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, और बहुत अफोर्डेबल है। 174 से स्टार्ट है, मतलब 174 सोचो कितना कम है। 200-250 तो ऐसे ब्लाउज की स्टिचिंग का, सिंपल ब्लाउज का ले लेते हैं, तो अगर 174 में सिला सिला ब्लाउज आ रहा तो क्या खराब है, अच्छा है ना। लेकिन ब्लाउज जो मैंने ऑर्डर किए वो आए कैसे हैं, मंगाने लायक हैं या नहीं, वो हम देखेंगे आगे वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये वाला ब्लाउज, और ये है जो रिसीव हुआ है। कलर बहुत डिफरेंट लग रहा है, इसमें थोड़ा सा सटल सा ब्लू हल्का सा लग रहा, और ये देखो ये ग्रीनिश लग रहा है ना। हाँ देखो, मैं फोन पे पिक्चर देख रही हूँ तो ब्लूइश लग रहा, लेकिन ये जो आ रहा है आप देखे तो ग्रीन में आ रहा। तो ब्लू साड़ी से के लिए ना मंगाई गई, इसका कलर ग्रीन में है, ब्लू में नहीं है। पता नहीं यार, ये कलर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन कलर को अगर छोड़ दें, ये ग्रीन में है ये समझ के मंगाइएगा। तो ये बहुत सुंदर ब्लाउज है, ये देखो देखो सीक्वेंस का वर्क है पूरा, जरी का काम किया गया है। ये किनारे किनारे ये पूरा जरी का काम है, नीचे की तरफ जरी का काम है, और पूरा सीक्वेंस वर्क है। ये देखो पास से दिखा दो, बहुत सुंदर है। और जैसे उसमें पिक्चर में दिखाया है डिजाइन पैटर्न वैसे ही है। ये देखो स्ट्रैप पैटर्न है, और ये पीछे की तरफ हुक है। एक कितने हुक है, 1, 2, 3, 4 हुक है। और इसमें ना मैं बताऊं, साइज ऐसे प्री साइज करके ही आया है, रेट वगैरह बता दूं, 456 है। जॉर्जेट फैब्रिक विद ऑल ओवर जरी एंड सीक्वेंस गोटा पट्टी लेस इन ऑल ओवर ब्लाउज। हाँ ये है पूरा सीक्वेंस का वर्क है, ऐसे पास से भी समझ में आ रहा होगा, और ये सब जरी का काम किया गया है। तो अच्छा तो लग रहा है वैसे ही, बस कलर ध्यान रखना, ब्लू समझ के मत मंगा लेना। 456 रेट है, साइज फ्री साइज है, 38 से 42 तक आराम से आ जाएगा। देखो मैं पहन लेती हूँ फिर बताती हूँ, ये ऑल्टर तो मुझे कराना ही पड़ेगा जो भी हो। हल पैडेड है, ऑब्वियसली पैडेड है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं बट लाइट पैडेड है। पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है, पहन के आती हूँ फिर ज्यादा समझ में आएगा कि कैसा ऑल्टर कराने पे कैसा आएगा या फिटिंग कराने पे कैसा आएगा, मैं पहन के आती हूँ। देखो मैंने कैसे पहना है, इस पे मत जाओ, वैसे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नेक लाइन काफी डीप है, उसमें पिक्चर में भी समझ में आ रहा होगा। अगर आप पहनते हैं ना तो डेफिनेटली ट्राई करें, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिटिंग करानी पड़ेगी क्योंकि वो दिया है ना 42 तक, तो डेफिनेटली आपको ऑल्टर कराना पड़ेगा। जो फैब्रिक की क्वालिटी और डिजाइन डिटो वैसा ही है, बस मैं इतना डीप नेक लाइन नहीं पहनती। जरा देखो ना यहाँ तक आ रहा, और ये अच्छा लेंथ भी जैसे होती है ना लंबाई ब्लाउज की, वो भी अच्छी आ रही है। बट ये मेरे लिए, मैं इतना थोड़ा सा लगता है ना कि ब्लाउज साड़ी पहनो तो फिर भी इतना तो कवर हो जाता, अभी मैं साड़ी भी नहीं पहनती तो पूरा दिखता, तो इसलिए मैंने इसके साथ पहन लिया। अदरवाइज ये ब्लाउज सच में बहुत अच्छी क्वालिटी का है, डेफिनेटली आप ऐसा पहनते हैं तो ट्राई करें, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और पीछे से भी दिखा दो, पीछे से भी अच्छा खासा डीप नेक लाइन है, पार्टी वेयर ब्लाउज है, तो डेफिनेटली ट्राई करें, थम्स अप है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। पार्टी वेयर में तो डेफिनेटली ट्राई करें, बहुत अच्छी क्वालिटी, बस वही नेक लाइन समझ में आ ही रहा होगा कि कैसा है। अगर आप पहनने में कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली ट्राई करें, थम्स अप है। इसके बाद ये वाला ब्लाउज, और ये है जो रिसीव हुआ डिटो वैसा ही है, नियॉन ग्रीन कलर, वैसे कई कलर्स में अवेलेबल है, और मैंने ये वाला मंगाया, मुझे कलर प्यारा लग रहा था इसलिए। अब इसका रेट मैं बता दूं, ये है 524 इस समय रेट, वैसे इसका मैंने 448 में मंगाया था। कई कलर्स हैं तो किसी भी कलर में आप मंगा सकते हैं, और हाँ 38 साइज, 38 ऑल्टरेबल, डेफिनेटली ब्लाउज ऑल्टर कराना ही पड़ता है। ये बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक है, मतलब थोड़ा सा स्टिफ सिल्क में जैसे साइनिंग होती है वैसी है, पूरा प्रिंटेड है, फ्लोरल प्रिंट सुंदर सा। ये है बैक और ये है फ्रंट, यार ये अच्छा लग रहा, ये ऑल्टर कराना पड़ेगा। स्लीव्स मुझे लग रहा है यहाँ तक आएगी, पूरी लाइनिंग लाइनिंग इस ब्लाउज में भी पूरी दी गई थी, पैडेड थी तो डेफिनेटली लाइनिंग, ये भी पैडेड है, लाइनिंग भी दी गई है। अब ये आगे की तरफ हुक है, मैंने इसमें बताया था ना पीछे हुक दिया था। अच्छा ये है यार, ये आगे का पीछे का मैं भूल रही, इसने कैसे दिया है, क्या ये उल्टा सीधा कुछ भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं होता। कितनी बेवकूफ हूँ मैं, ये आगे का है, जाहिर सी बात है पैड पैड आगे लगा होगा ना।
मैं भूल गई, मैं कंफ्यूज हो गई कि इसमें तो पीछे दिया था, इसमें आगे, ये देखो ये वाला जो ब्लाउज है इसमें पीछे उठ दिया, इसमें दिया है आगे, और मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं पीछे बोट नेक की तरह पीछे दिया हो, लेकिन ये आगे उठ दिया है क्योंकि पैड आगे ही है। कभी अपनी बेवकूफी पे हंसी आ रही है मुझे। लाइनिंग पूरी है तो ब्लाउज की क्वालिटी तो मुझे सही लग रही है, और कई कलर्स में पहन के आती हूँ तो मैं बता देती हूँ, जिप नहीं है बस हुक ही है, हुक की क्वालिटी भी अच्छी है यार, तो मैं पहन के आती हूँ, फिर देख के समझ में आएगा कैसा आ रहा है। ठीक है, वैसे क्वालिटी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, प्लेन साड़ी पे तो अच्छा लगेगा ना, प्रिंटेड ब्लाउज विद प्लेन साड़ी मैं पहन के आती हूँ। ठीक है, तो ये ब्लाउज तो मुझे एकदम प्रॉपर फिट आ रहा है, इसको अल्टर कराने की भी जरूरत नहीं, पैडेड है पूरा का वो दिया है, लाइनिंग दी गई है, हुक की क्वालिटी सही है, ये आगे है पीछे नहीं है, और स्लीव्स यहाँ तक सही है, फैब्रिक की क्वालिटी भी अच्छी है। रुको मैं पीछे से दिखाती हूँ, अपनी जुल्फे समेटू पहले, ये देखो पीछे से लेंथ वगैरह भी सही है, तो एकदम प्रॉपर फिट आ रहा है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑल्टर अपनी साइज अकॉर्डिंग कराना पड़ेगा, अदरवाइज एकदम सही है, सही लग रहा है ना, क्रॉप टॉप की तरह भी लग रहा है। नहीं, एज अ ब्लाउज मुझे ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि ये सामने से हुक है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, तो एज अ ब्लाउज डेफिनेटली ट्राई करें, अच्छी क्वालिटी का है, वैल्यू फॉर मनी है, थम्स अप है। तो अब है ये वाला ब्लाउज, और ये है जो रिसीव हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है, ऐसे स्ट्रैप शोल्डर पैटर्न में है, पिक्चर यहाँ पे मैंने लगा ही दिया है, और दो तीन कलर ऑप्शन है, ऐसे प्रिंटेड ही है, 455 रेट है और 38 साइज है, बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक है, फैब्रिक सही है, लाइनिंग भी दी गई है, पैडेड भी है, तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी, डेफिनेटली ट्राई करें, बहुत सही ब्लाउज है, देख रहे हैं जैसे उसमें पिक्चर में वैसे ही है, साइज बस 38 ही है और नहीं दिया गया है, हुक हुक है, जिप नहीं है, हुक है पीछे, खुल जा सिंपल, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम टाइटली बंद है ना, तो मैं ऐसे वैसे करके खोलती हूँ। हाँ ओके, ये अभी ये देखो इसे खोलना पड़ेगा, रुको, क्योंकि जहां हुक लगा रहता है ये स्टिच है, स्टिच रहता है, अब ये हुक लगेगा, तो डेफिनेटली ट्राई करें, लाइनिंग वैसे दिख रही होगी यार, क्वालिटी अच्छी है, लाइट पैडेड है, और स्ट्राइप जैसे शोल्डर में बताया, जैसे पिक्चर में डिट्टो वैसे, यार मैं क्या बताऊं, खराब होता तो समझ में आता कि नहीं वैसा नहीं कुछ और आ गया, सेम है, मैं पहन के आती हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा कि नेकलाइन कैसी है, चलो मैं पहन के आती हूँ, वेट देखो देखो, ऑल्टर तो कराना पड़ेगा डेफिनेटली, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा साइड से, वैसे नेकलाइन इसका बहुत डीप भी नहीं है, जैसे पहला वाला काफी डीप था, ये इसका पैटर्न वैसा नहीं है, उसका तो ऐसे वी में था, काफी डीप था, ये डेफिनेटली कंफर्टेबल है, पहन सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा ऑल्टर कराना पड़ेगा, 38 है ऑब्वियसली, मुझे काफी लूज हो रहा है, देखो ये गिरा जा रहा है, तो यहाँ से ऑल्टर कराना है, पीछे से, पीछे का नेकलाइन भी काफी डीप है, बढ़िया सा अच्छा खासा डीप नेकलाइन है, लेकिन ऑल्टर कराना पड़ेगा, क्वालिटी अमेजिंग है पार्टी वेयर ब्लाउज में, डेफिनेटली ट्राई करें, थम्स अप है। इसके बाद ये वाला ब्लाउज है, और ये है जो रिसीव हुआ है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, देखो इसका जो शोल्डर, ये जो पैटर्न है ना, उसमें जो पिक्चर में देखो तो ऐसा लग रहा काफी पतला सा है, लेकिन ये उतना है नहीं पतला, फैब्रिक की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन जो चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही थी उसमें जो मॉडल ने पहना है ना वैसा, ये शोल्डर का जो पैटर्न वैसा, ये देखो ना देख के समझ में आ रहा होगा, चौड़ा सा है काफी ना, वो गड़बड़ है, अब देखो कलर तो वैसा ही नहीं, थोड़ा सा ये इसका कलर डार्क है, उसमें थोड़ा सा लाइट और लाइट कलर है, कलर देख के समझ में आ रहा होगा डिफरेंस है, और ये थोड़ा सा ऐसा लग्जरी सा अच्छा सा लग रहा है, ये उसकी देख लो क्वालिटी, तो ये उस पिक्चर के धोखे में मत आना, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि खराब है, फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, फैब्रिक की क्वालिटी बेंगलोरी सिल्क है, लेकिन जैसे होता है ना जब हम पिक्चर से थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वैसा लगेगा, तो वैसा तो नहीं है, तुम्हें लग रहा हो तो बताओ, मुझे तो वैसा नहीं लग रहा, 554 रेट है इसका, साइज मैंने कितनी मंगाई होगी, 36 मंगाई, 38 ऑल्टरेबल, 38 ऑल्टरेबल मंगाई हो, सिल्क ब्लेंड फैब्रिक है, स्लीवलेस है, लेकिन मुझे लग रहा उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अच्छा सा, बट एक्चुअल में एक तो स्लीव्स का पैटर्न मुझे मजा नहीं आया जैसे मैं चाह रही थी वैसा नहीं है, और फैब्रिक की क्वालिटी, और वो जो फैब्रिक की क्वालिटी तो फिर भी सही है, लेकिन जो कलर है ना वो देखो बहुत डिफरेंस है, अब इस पे मैं बता दूं कैसे, ये है पीछे हुक दिया है, ओके पूरी लाइनिंग है, पैडेड है, लेकिन सिंपल सा है, लेकिन जैसा पिक्चर में वैसा नहीं है, ठीक है मैं फिर भी पहन के आती हूँ तो समझ में आ जाएगा,
कि कैसा है, पहन कैसे, रुको देखो, बहुत ही ऑर्डिनरी सा ब्लाउज है। जैसे मॉडल ने उसमें पहना, पिक्चर जो दिखाया गया उससे मैच तो नहीं कर रहा, देख के समझ में आ रहा होगा। स्लीव्स का देखो, मतलब कुछ भी नहीं मैच कर रहा, कलर नहीं मैच कर रहा, फैब्रिक की क्वालिटी मैं कह रही हूँ अच्छी है, पहन कैसे सॉफ्ट लग रहा, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल भी तो होना चाहिए। 400-500 रुपए दे रहे हैं तो ऐसे तो 250 में सिलवा लो नॉर्मल फैब्रिक से। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब तुम ऐसे रिग्रेट करोगे कि क्या मैंने देखा था और क्या आ गया। तो ये तो मैं नहीं कहूंगी कि जनरली हम पिक्चर से एक्सपेक्ट करते कि जैसे पिक्चर दिख रहा है एटलीस्ट कुछ तो मैच करे, लेकिन ये पिक्चर की तरह बिल्कुल नहीं है। तो धोखे में मत आना, तो मेरी तरफ से तो फैब्रिक की क्वालिटी ही अच्छी है लेकिन डिजाइन आपको वैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तुम समझो तुम्हारा काम। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है ये वाला ब्लाउज, और ये है जो रिसीव हुआ है प्योर कॉटन का, 174 रुपीज इसका रेट है। 174, यार जस्ट इमेजिन, 174 में तो ब्लाउज ही नहीं चलता, जो 250 रुपए से कम नहीं देते। तो ये रेट मैंने बता दिया, प्योर कॉटन है, 36 मैंने साइज मंगाई और कई साइज में अवेलेबल है, जैसा पिक्चर में है वैसा ही है। लेकिन ध्यान रखना इसमें लाइनिंग नहीं है, पैडेड नहीं है, तो मुझे लग रहा है मम्मी के लिए या दादी के लिए मंगा लो तो एकदम सही हो, खुश हो जाएंगी, कहेंगी 174 में बहुत अच्छा ब्लाउज है। एक्चुअल में मतलब हम लोग भी पहन सकते हैं, तुम लोग भी पहन सकती हो, बट मुझे लग रहा है मम्मी या दादी के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। पैडेड नहीं है, लाइनिंग नहीं है, दोनों स्लीव्स तो अलग से है ही नहीं। ठीक है, और क्या बताऊं मैं, इसमें हुक है आगे की तरफ, ये देखो, लेकिन ये पीछे उसमें मुझे लग रहा है पीछे ऐसे कैसे वी दिया था ना, वी दिया है पीछे, लेकिन है ये राउंड, ये देखो राउंड नेकलाइन है आगे की तरफ का, पैटर्न वी वाला है, आगे का पैटर्न वी वाला है ये है, और उसमें हुक लगा है। तो क्वालिटी प्योर कॉटन फैब्रिक है लेकिन लाइनिंग पैडेड बिल्कुल नहीं है। मैं पहन के आती हूँ तब बताती हूँ तो फिटिंग कैसी आ रही है। रुको, देखो 174 में इसे खराब तो नहीं कहूंगी, सही है, वैल्यू फॉर मनी, फैब्रिक मैंने बता दिया ठीक ठाक है, सिंपल सा ब्लाउज है, 174 से ज्यादा वैल्यू नहीं है इसकी। डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं सिंपल से ब्लाउज के लिए। और नेक लाइन ये देखो, पीछे से मैंने पिनविन लगाई है क्योंकि मुझे ढीला हो रहा था, ऑल्टर तो हर ब्लाउज में करवाना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए रेट के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी है, कंफर्टेबल है, बाकी तो देख लो समझ लो कौन सा तुम्हें लेना है। और आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी, सारे ब्लाउज हो गए, जो नहीं आए फिर से मैं ऑर्डर करूंगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में कहना। बाय।